नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी। आज संवाद में हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में जड़े जमाने में अहम भूमिका निभाई है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों की तैयारी कर रही है और क्यों उसने कांग्रेस और भाजपा को एक साथ निशाना बनाया है। कोरोना काल में कई बार विवादों में रहने वाली आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिकल तौर पर घेरने की कोशिशें की गई, मगर केजरीवाल बड़ी आसानी से उन दुश्वारियों से निकलकर बाहर आ गए और कांग्रेस और भाजपा को एक साथ ऐसा झटका दिया कि उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते ही कांग्रेस और भाजपा में खलबली मच गई। और तो और, जो लोग पार्टी छोड़कर जा चुके थे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम लोगों को वापस अपने दल में लाने की कोशिश में जुटी है जिनसे उसने किनारा कर लिया था। और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता, वो आम आदमी पार्टी के हर गतिविधि पर नजर रखे हैं। लेकिन दिनेश मोहनिया बड़ी मुस्कुराहट के साथ और बड़े संयम के साथ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के मिशन को उत्तराखंड में किस तरीके से लागू करेंगे, बात करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया से। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, अचानक कोरोना काल में ऐसा क्या हुआ कि आपने 70 विधानसभा सीटों पर उत्तराखंड के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, 2022 को रोचक बना दिया? नहीं, देखिए, ये कोरोना की वजह से, काल की वजह से नहीं है। मेरी जो अपॉइंटमेंट है एज ए प्रभारी वो 12 मार्च को हुई थी, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया, लेकिन हमने कोरोना काल में भी जितना काम कर सके, लोगों से मुलाकात कर सके, वो शुरू किया। उसके बाद फिर एक जैसे ही थोड़ा सा कोरोना का थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, तो फिर हमने घोषणा की कि हम 70 की 70 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का रिस्पांस जनता से आ रहा है, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छी स्थिति में मुझे नज़र आ रही है और उम्मीद करता हूँ कि लोगों का जो समर्थन और प्यार और आशीर्वाद है लगातार ऐसे ही मिलता रहेगा। दिनेश जी, जो आम आदमी पार्टी का दावा है कि उन्होंने एक सर्वे कराया, जिस सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बहुत से लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कौन सा सर्वे हुआ, कोई फर्जी सर्वे है, आत्ममंथन भी नहीं किया और एक काल्पनिक सर्वे के आधार पर आम आदमी पार्टी अपने सत्ता के लालच में उत्तराखंड की तरफ रुख कर गई। नहीं देखिए, काल्पनिक सर्वे तो कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि दो सर्वे हुए हैं। एक जो सर्वे था जिसमें कि हमने सर्वे कराया, जिसमें लगभग 62% लोगों ने ये कहा कि भाई आम आदमी पार्टी को यहाँ पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ने चाहिए। दूसरा एक चुनाव इंडिया अहेड एक चैनल है, उन्होंने कराया, उनके सर्वे में भी दिखाया कि लगभग 63% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो अगर चैनल भी वही आपके आंकड़े दिखा रहे हैं और हमारा चैनल, हमारा जो सर्वे वो भी वही आंकड़े दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसकी सत्यता प्रमाणित होती है। और मुझे लगता है कि केवल चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं, बाकी इस पार्टी का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि जो भी फैसले इस पार्टी में हों वो जनता की मर्जी से हों। जब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी, तो उसमें जो आम आदमी नाम के जो दो वर्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमसे पूछा जाता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो आम आदमी की आइडियोलॉजी है, जो आम आदमी के जुड़ाव से जो बड़े जुड़े हुए मुद्दे हैं, केवल उसकी बात करना इस आम आदमी पार्टी का मेन कोर मुद्दा रहेगा हमेशा। हमें तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी सत्ता की लालची है और सत्ता के लालच में आप लोगों ने उत्तराखंड के भोले भाले लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ सत्ता के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं, आपको उत्तराखंड की आवाम के दुख दर्द की कोई परवाह तो है नहीं। देखिए, अगर ऐसा होता तो लगभग जो 63% लोग हमारे से आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, और हम अगर हम बात करें काम की, तो देश की राजनीति में पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो काम की बात कर रही है, जो ये कह रही है जाति धर्म क्षेत्र की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, काम की पॉलिटिक्स शुरू होनी चाहिए। आप बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाओं की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, पलायन की, तो क्यों नहीं इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो अभी तक देश में राजनीति हुई है उसको इतर करते हुए आम आदमी पार्टी एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत कर रही है, और जिस तरीके से लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ आए, और साथ ही साथ जिन मुद्दों के साथ हम आ रहे हैं उन मुद्दों के साथ भी सहमति दिख रही है कि जिन मुद्दों को लेकर हमने दिल्ली में काम किया उसी तरीके के मुद्दे उत्तराखंड में भी हैं,
दिल्ली में हल हुए हैं, अब उत्तराखंड में भी हल होने चाहिए। आम आदमी पार्टी लोगों की भावनाओं से खेलती है, उन्हें मुफ्त की चीज़ें दिखाती है कि बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, तो यानी कि पब्लिक को मुफ्त खोर बनाने के मिशन पे आम आदमी पार्टी क्यों काम कर रही है? आप उत्तराखंड की पब्लिक को भी मुफ्त खोर बनाना चाहते हैं क्या? दो सवाल हैं इसमें आपके, एक तो है कि आप भावनाओं से खेल रहे हैं और दूसरा कि मुफ्त क्यों कर रहे हैं। तो भावनाओं की जहाँ तक बात है, तो भावनात्मक मुद्दे क्या हैं? भावनात्मक मुद्दे हैं धर्म के आधारित मुद्दे, जाति पर आधारित मुद्दे, ये भावनात्मक मुद्दे। आम आदमी पार्टी इनकी बात ही नहीं कर रही, वो कहती है जाति छोड़ो, धर्म छोड़ो, क्षेत्र छोड़ो, केवल जीवन से जुड़े हुए मुद्दों की बात की जाए। तो पहली बात तो ये तय हुआ कि भावनात्मक मुद्दों की बात नहीं हो रही। भावनात्मक मुद्दे तो यही हो सकते हैं कि किसी धर्म की बात की जाए, किसी जाति की बात की जाए, वो आम आदमी पार्टी कर ही नहीं। दूसरा सवाल था आपका कि मुफ्तखोर बना रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब एक सांसद चुना जाता है उसको 50,000 यूनिट मिलती है, जब एक विधायक चुना जाता है तो उसको 1,000 यूनिट मिलती है, उनको तो आप मुफ्तखोर नहीं कह रहे। पिछले 70 सालों के इतिहास में हर सांसद, हर विधायक को सब कुछ चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं, उनको क्यों नहीं आपने कभी मुफ्त कर कहा? आज जब जनता को ये चीज़ें मिल रही हैं और वो पैसे कोई हम अपनी जेब से नहीं दे रहे, जनता ने जो टैक्स पे करा है उस टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। अगर वही पैसे मैं अपने लिए एक हेलीकॉप्टर खरीद लें हमारे सीएम, तो बहुत बढ़िया हो गया, तब कोई मुफ्तखोर नहीं है। वही हमारा हमारे सीएम उससे अपने लिए कोई बहुत बड़ा बंगला बना लें, तब कोई मुफ्तखोर नहीं है। लेकिन जनता के पैसे जो जनता के ऊपर खर्च करे, मुफ्तखोर। तो ये अपनी परिभाषा थोड़ी ठीक कीजिए, आपको समझना पड़ेगा कि पहली बार ऐसी एक पार्टी आई है जो जनता से कलेक्ट किए हुए टैक्स के पैसे को जनता को लौटा रही है। नहीं तो अगर वही आप या तो ये कर लीजिए कि हम भी, जैसे एक गुजरात के मुख्यमंत्री ने 196 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर अपने लिए खरीद लिया, वो कोई मुफ्तखोरी नहीं है। लेकिन वहीं दिल्ली में हमने उन पैसों को कलेक्ट करके दिल्ली की जनता के लिए, जो महिलाओं के, जो वहाँ की बहन बेटियों के लिए जो यात्रा मुफ्त की, उसका खर्चा केवल 180 करोड़ रुपए था। तो अब आप जनता को तय करने दीजिए कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो 180 करोड़ रुपए, वो जनता के ऊपर खर्च करना चाहते हैं या फिर 196 करोड़ रुपए में हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी तक जो इस देश की राजनीति में हुआ है, सांसदों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को जो मुफ्त की सेवाएं दी गई हैं, अब वो मुफ्त की सेवाएं पहली बार जनता को मिल रही हैं। और अगर उसे आप मुफ्तखोरी का नाम देते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपके साथ समस्या है, जनता के साथ समस्या नहीं है। पब्लिक को आप मुफ्त की चीजें देने की बजाय उनके लिए रोजगार के अवसर भी तो बढ़ा सकते हैं। रोजगार के अवसर क्यों नहीं मिलने चाहिए? क्या क्या विजन है रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का आपके पास? देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि इसमें एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, मैं बड़े आराम रोजगार की, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे शेफी जी, मैं कह रहा हूँ एक एक करके मैं पूरे टाइम के साथ बैठा हूँ, आराम से एक एक मुद्दों पे बातचीत करते हैं, एक एक मुद्दों पे जवाब लेते हैं। मेरा कतई ये कहना नहीं है कि हम किसी चीज को एक्साइटेड होके शोर मचा के कहें। मेरा ये मानना है कि जनता को समझना चाहिए कि वोट क्यों दे रही है, उन्हें समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। वो तभी हो सकता है जब हम आराम से एक एक मुद्दे पे डिटेल्ड में बातचीत करें। जब आप कह रहे हैं कि रोजगार होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन जो वेलफेयर स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है जनता से लिए हुए पैसे जनता की भलाई के लिए खर्च हो, ये वेलफेयर कॉन्सेप्ट है और ये वेलफेयर गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, ये होना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहली बार वर्ल्ड ओवर फ्री हो रहा है, ऐसा नहीं है। यूरोपियन कई कंट्रीज में आप देखेंगे कि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उससे पॉल्यूशन में भी कमी हो रही है, साथ में जनता को सेवाएं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा पहली बार फ्री हो रही है, अमेरिका में शुरू से शिक्षा फ्री है, अमेरिका में स्वास्थ्य फ्री है। तो आप जब बात करते हैं कि हम जब कंपैरिजन की बात करते हैं तब तो हम बात करेंगे कि हमें सुविधाएं तो अमेरिका, तो इसका मतलब अमेरिका जैसी सुविधाएं आप लोगों को नहीं चाहिए? निश्चित तौर पर चाहिए। तो वो मीडिया और विपक्षी दल तय नहीं करेंगे कि इस देश में एजेंडा क्या होगा, वो यहाँ की जनता तय करेगी कि उसको किस तरीके का एजेंडा चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी देश को सुधार करना है, किसी देश को अगर डेवलपमेंट की राह पे आगे ले जाना है, तो सबसे पहले तो जो कोर मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, मुझे लगता है कि प्रदेश के, देश के हर नागरिक को जहाँ तक बच्चा पढ़ना चाहे वहाँ तक शिक्षा, और जब वो बीमार पड़े तो उसका स्वास्थ्य, ये दो चीज़ें उसका हक है। मैं ये नहीं कहता कि कोई एहसान कर रहा है, कोई सरकार एहसान नहीं कर रही, ये इस प्रदेश की, इस देश की जनता का हक है। वो उनके टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, सरकार कोई अपने पैसे से कुछ नहीं कर रही। यानी कि रोजगार को लेकर कोई विजन आपके पास नहीं है? देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, रोजगार के लिए क्यों विजन नहीं है? अभी आप प्लान रोकने के लिए कोई विजन नहीं है आपके पास? मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 20 सालों में
यहाँ पर प्रदेश में दोनों पार्टियों की सरकार रही, उन्होंने क्या किया ये आपके सामने है। हमारे पास जो विजन है वो हमने दिल्ली में लागू किया। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली जैसे ही कोरोना काल में आए उस टाइम हमने जॉब पोर्टल लॉन्च किया जिसमें कि लाखों लोगों को नौकरी मिली। अब उसी तरीके से हर प्रदेश की अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने समाधान हैं। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पलायन क्यों हो रहा है तो हम देखते हैं बड़े तीन कोर मुद्दे हैं जिनकी वजह से यहाँ प्रदेश में पलायन हो रहा है। और क्या जो जिस चीज़ों को लेकर इस प्रदेश का निर्माण हुआ था क्या वो मुद्दे आज हल है? नहीं है। इन जिन सपनों के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ था वो नहीं है। अब हम कोर में जाएं कि इसके कारण क्या हैं पलायन के, तो सबसे पहले देखेंगे कि आप शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है। अगर पहाड़ पे रहने वाले एक आदमी को शिक्षा अच्छी मिल रही है उसके बच्चों को, जब वो बीमार हो तो उसको स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी मिल जाएं, और तीसरा उसके लिए वहां पर जो उसकी रोजी रोटी है, जो जीवन चलाने के लिए मूलभूत काम है, वो उसे मिल जाए। आप खुद आप बताइए कि कोई इतने सुंदर प्रदेश को, इतने भव्य प्रदेश को छोड़ के किसी और राज्य में जाना चाहेगा? अपनी कर्म भूमि को, अपनी जन्म भूमि को छोड़ के जाना चाहेगा? नहीं जाएगा। तो आपको ये तय करना पड़ेगा, पहली बात तो कि देश में, इस प्रदेश में राजनीति किन मुद्दों पे होगी। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो ये कह रही है कि जी हम शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, पलायन पे बात करेंगे, और चुनाव केवल इन मुद्दों पे ही होना चाहिए। तो इन मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, इन मुद्दों के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, और निश्चित तौर पे जब हम चुनाव में जाएंगे तो हर समस्या के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन रखेंगे पब्लिक के बीच में, और उन्हें बताएंगे कि देखिए हम स्वास्थ्य पे ये करने जा रहे हैं। जैसे हम अभी लार्जली बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसका डिटेल्ड वर्जन होना चाहिए कि कितने दूर पे मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा, कितनी दूर पे एक पॉलीक्लिनिक खुलेगा, कितनी दूर पे एक बड़ा अस्पताल खुलना चाहिए, वो एक डिटेल्ड चीजें लेके जनता के बीच तो यानी कि आप एक तरीके से प्रदेश के जो जीरो टॉलरेंस मिशन के साथ में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को एक तरीके से सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप अपने पब्लिसिटी में, अपने इश्तहारों में आप दिखा रहे हैं कि दूर दराज का कोई अस्पताल टूटा हुआ है, कोई स्कूल टूटा हुआ, और आप अपने 5-स्टार स्कूल दिखा रहे हैं, तो आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदनाम करने का भी तो काम कर रहे हैं, तो आपको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मैं क्यों बदनाम करूं? जब आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो उनके एक विधायक है पूरन फर्तियाल जी, उन्होंने आरोप लगाया कि एक सड़क निर्माण के उसमें घोटाला हुआ, 8 लोग उसमें सस्पेंड हुए, इन मुख्यमंत्री के ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो भी इनकी जांच एजेंसी उसने जांच की, उन्होंने पाया कि इस टेंडर में गड़बड़ है, और 8 अधिकारियों को उसमें सस्पेंड कर दिया गया। 1.5 साल तक वो मामला लटका रहा, उसमें करीबन 138 करोड़ रुपये का कुछ मामला है। उसके बाद 1.5 साल बाद यही मुख्यमंत्री जी को समझ में आता है कि वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 लोग सस्पेंड हो गए, तो वो काम को फिर शुरू करा देते हैं। ये कैसा जीरो टॉलरेंस है? आज वो 138 करोड़ रुपए के घोटाले का काम फिर शुरू हो गया, जिसके खिलाफ वहाँ के विधायक पुरजोर आवाज उठा रहे हैं। लोहाघाट के विधायक पूरन फर्तियाल लगातार कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ है, और ये बोला जा रहा है, और उस विभाग का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री, PWD मुख्यमंत्री के पास ही है ना। तो मतलब जिस डिपार्टमेंट को वो हेड कर रहे हैं उसमें घोटाले हो रहे हैं, उनका खुद का विधायक कह रहा है जी घोटाला हुआ है, उसमें लोग सस्पेंड हो रहे हैं, ये कैसे जीरो टॉलरेंस है? नैतिकता के आधार पे तो CM को इस्तीफा देना चाहिए कि मेरे डिपार्टमेंट में गड़बड़ हुई है, मैं इस्तीफा देता हूँ, लेकिन बेशर्मी के साथ उस सीट पे बैठे हुए और जीरो टॉलरेंस का राग अलाप रहे हैं। जब उनके विधायक ही नहीं मान रहे कि जीरो टॉलरेंस है तो जनता कैसे मानेगी, और इल्जाम विपक्ष पे लगा रहे हैं कि विपक्ष बदनाम कर रहा है। अरे ऐसे काम ही वो क्यों कर रहे हैं जिससे बदनामी झेलनी पड़े? आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में जितनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कोशिश की है, कई लैब शुरू हो गई हैं और बेहतर से बेहतर इलाज करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है, मगर आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक वर्ड बड़ा नया क्रिएट हुआ है मीडिया जगत में, गोदी मीडिया। उसको मुझे लगता है कि वो दिल्ली में तो हम गोदी मीडिया सुनते थे, यहाँ पर शायद त्रिवेंद्र मीडिया को शुरू करना पड़ेगा। तो आप सीधे मीडिया को सवाल लोगे कट करें? एक मिनट ना, आप मतलब मेरा मानना है कि एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? कोई मैंने आपके ऊपर तो कोई आरोप लगाया नहीं, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आप चलिए मेरे साथ, अभी कैमरा ले लेते हैं। अभी कल की थी दून हॉस्पिटल में महिला जमीन पे पड़ी हुई थी, आपके यहाँ लगातार जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो मर रही हैं, लोगों को अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली लोगों को खाटों पे बैठा बैठा के नीचे उतारे जा रहा है।
आप अभी चलिए, मैं कह रहा हूँ अभी कैमरा ले चलते हैं और यहाँ से लाइव करते हैं, चलिए दून हॉस्पिटल, देखें क्या कितने कितने इंतजाम है। मैं तो झूठ बोल सकता हूँ लेकिन ये कैमरा तो झूठ नहीं बोल रहा। चलें, आप भी चलें, मीडिया भी चले, सब देखें। है इस सरकार में हिम्मत जो मीडिया को कम से कम वहां जाने दे कि भाई हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है? हिम्मत नहीं है इस सरकार में। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पता है कि वो केवल मीडिया मैनेजमेंट के सहारे चल रहे हैं, काम के सहारे नहीं चल रहे हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा, मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि जो जनता की नब्ज है, जनता जानती है क्या हो रहा है। क्योंकि वो महिला जो हॉस्पिटल में मर रही है, उसके परिवार जानता है उसके साथ क्या हो रहा है। केवल मीडिया पे दिखाने से और चार लैब बनाने से स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं होंगी। आज 4 साल इस गवर्नमेंट को हो गए, किसी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे क्या एक भी हॉस्पिटल में एड ऑन हुआ है? नहीं हुआ। कोई नई लैब बनी? नहीं बनी। अब कोरोना काल में अच्छा काम कर रहे हैं, ये कौन तय करेगा? ये ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, ये जनता तय करेगी। अगर एक बार आपकी बात मान भी लें कि चलिए सरकार कहीं विफल रही है, तो आपके पास क्या विजन है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? स्वास्थ्य सेवाओं का विजन बताइए आप। मेरी बातें क्यों माने आप? नहीं नहीं, आपके पास क्या विजन है? तो आपको कह रहा हूँ मेरी बातें नहीं मानिए ना। आप अभी कैमरा लेते हैं, लाइव यहाँ से चल रहा है, लाइव चलते हैं, दून हॉस्पिटल की स्थितियां सब देखेंगे, वहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जहां तक हमारे विजन की बात कर रहे हैं, तो हमने वहां पर दिल्ली में अपना 3-tier सिस्टम लागू किया हुआ है। एक है फर्स्ट स्टेज है मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें बिल्कुल बेसिक जरूरतें स्वास्थ्य सेवाएं पूरी होती हैं। मान लीजिए आपके पास सर दर्द है, पेट दर्द है, बहुत छोटी सी समस्या है, वो आप जाके मोहल्ला क्लिनिक में सुधार कर इलाज ले लीजिए। क्योंकि अभी क्या होता था कि छोटे से इलाज के लिए भी हॉस्पिटल जाना पड़ता था, हॉस्पिटल बहुत ज्यादा था। उसके बाद सेकेंड टीयर हमने बनाए पॉली क्लिनिक्स, जिसमें कि जाँच की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक में आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो आप पॉली क्लिनिक में जा सकते हैं। पॉली क्लिनिक में जाके वहाँ पर जांच हो सकती है, आपके टेस्ट की सुविधा है, वो सब चीज़ें होंगी। अगर उसके बाद भी ये लगता है कि नहीं बीमारी और बड़ी है या और उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो फिर उसको हॉस्पिटल में भेजते हैं। तो ये 3-tier सिस्टम दिल्ली में हमने लागू किया है। जैसा कि मैंने बोला कि जब भी हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे या प्रदेश में जाएंगे, तो वहाँ की समस्याएं अलग होंगी, ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होंगी। उसके लिए हमारे को अपने विजन में फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। भाई मैं ये कहूँ कि केवल सारा के सारा दिल्ली जैसा रिप्लीकेट होगा, नहीं होगा, लेकिन जरूरत है ईमानदारी के साथ, नीयत के साथ काम करने की। आज हम अगर ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो, तो फिर होनी चाहिए। उसमें हम निटी ग्रिटीज पे हम बात कर सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। जब प्रदेश की बात करेंगे, तो प्रदेश के स्तर पर कुछ और चीजें होंगी, कुछ और तरीके का इस कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि नीयत ठीक होनी चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। और जब हम ये मान रहे हैं कि दिल्ली में हो सकता है, तो फिर उत्तराखंड में भी पॉसिबिलिटीज हैं, उत्तराखंड में भी सुधारा जा सकता है। आप अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के विजन को आप चुरा के बिजली पानी फ्री करने की बात कर रहे हैं। हरीश रावत जी का कहना है ये कॉन्सेप्ट उनका है, बिजली पानी फ्री करने की बात हरीश रावत जी ने कही। कांग्रेस को और भी नेता कहते हैं कि आप उनकी पॉलिसी को अपना लबादा उड़ा के जनता के सामने पेश कर देते हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? हरीश रावत जी को ये कहना चाहिए कि देखिए यहाँ तो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है। वहां कौन के उनके हाथ रोक रहा है? वहां भी तो सरकार कांग्रेस की है, वहां उनके किसने हाथ बांधे हुए? राजस्थान में करें बिजली फ्री, करें पानी फ्री, पंजाब में करें बिजली फ्री, तो लोगों को विश्वास होगा कि हाँ जी उत्तराखंड में भी कर सकते हैं। अब मतलब जहां उनकी सरकार है वहां करेंगे नहीं, और जहां सरकार नहीं है वहां पर केवल बातें करेंगे। तो ऐसे जनता को, जनता जानती है सब, जनता को बेवकूफ मत समझिए। आपको अगर करना है बिजली पानी फ्री करना, करिए ना, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं अच्छा है जनता के लिए करें, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां तो करें। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर रहे? राजस्थान क्यों नहीं कर रहे? पंजाब क्यों नहीं कर रहे? कौन रोक रहा है? हमारी पूरे देश में एक सरकार है, हमने वहां करके दिखाया, लोगों को भरोसा है कि हम करेंगे, हम करें, आप भी कीजिए। अल्टीमेटली गोल हमारी सत्ता में आने से नहीं है, अल्टीमेट गोल है कि इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता का क्या भला होता है। वो कांग्रेस करना चाहता है करे शुरू, लेकिन केवल राजनीतिक तौर पे जहां पर वो विपक्ष में और वहां पर ये कहेंगे कि जी हम बिजली पानी फ्री करेंगे, और पहले क्या सत्ता में नहीं रहे? पहले सत्ता में रहे मुख्यमंत्री जी रहे ना रावत जी, तो रावत जी ने क्यों नहीं किया उस टाइम? किसने हाथ रोका हुआ था उनका? मतलब जब खुद कुर्सी में बैठेंगे तब करेंगे नहीं, जब विपक्ष में आएंगे तो फिर सवाल करेंगे। तो ये तो पिछले 20 साल से इस प्रदेश की जनता देख रही है कि जब कुर्सियों पर बैठते हैं तब कुछ करने को तैयार नहीं है, और जब विपक्ष में आ जाते हैं तो फिर उसी चीज की डिमांड करते हैं। देश के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है आम आदमी पार्टी सरकार, जिसने 5 साल काम किया, और 5 साल के बाद ये नहीं बोला कि और समय चाहिए, उन्होंने कहा हमने करके दिखाया है, अगर आपको लगता है कि ठीक हुआ है तो वोट दे दीजिए, अगर आपको लगता है वो नहीं हुआ तो वोट मत दीजिए। क्या इस देश की
भाजपा या कांग्रेस की कोई भी सरकार केवल काम के आधार पर वोट मांग सकती है क्या? मैं आज त्रिवेंद्र जी को चैलेंज करता हूँ कि वो अगला चुनाव जो है वो अपने काम पे लड़े। वो कहते हैं बेहतर काम किया तो जनता वोट देगी, वो केवल ये कहें कि जी हाँ ठीक है मैंने काम किया, मेरे काम के आधार पर वोट दे दीजिए, फिर जाति धर्म क्षेत्र की बात ना करें और केवल ये कहें अगर मैंने ठीक काम किया तो मुझे वोट देना चाहिए और पब्लिक को ठीक लगेगा तो निश्चित तौर पे वोट देंगे। आप भी तो धर्म की बात करने वाले नेताओं को बढ़ावा देते रहे हैं। दिल्ली में आपकी पार्टी के कई कार्यकर्ता जो धार्मिक उन्माद फैलाने में इन्वॉल्व रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ता थे? देखिए वहाँ पर सरकार में आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पुलिस हमारे पास नहीं है, पुलिस सेंटर के पास है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को तय करने का अधिकार ना तो भाजपा को है ना मुझे है। किसी ने गलती की है तो उसको न्यायालय सजा देगा, ये तो पुलिस के पास है सारा सिस्टम, पुलिस ले जाएगी, पुलिस तय करेगी, न्यायालय के सामने रखेगी, न्यायालय को जो ठीक लगेगा वो न्यायालय फैसला देगा, उसमें आपने क्या करना है और मैंने क्या करना है। मेरा ये मानना है कि केवल ये बयानबाजी राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। हमारे को आप आरोप लगाते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, जेल में बंद कर दो, क्यों नहीं बंद कर रहे? पुलिस तो आपके पास है, CBI आपके पास है, ED आपके पास है, सब पूरे देश की सारी रॉ एजेंसी आपके पास है, तो आप क्यों नहीं बंद करते? भाई अगर एक आदमी ने चोरी की है तो कौन आपके हाथ रोक रहा है? अब बंद कीजिए। आपने 4 बार हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर छापा मारा, कुछ मिला? अगर मिलता तो क्या आपको लगता है कि कोई पुलिस छोड़ती? हम कह रहे हैं आपके पास सब कुछ चीज़ तो आपके पास है, पुलिस आपके पास है, ED आपके पास है, CBI आपके पास है, विजिलेंस आपके पास है, ACP आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप जांच कीजिए और अगर गलत हमने कहीं चोरी की है, कहीं 1 रुपया भी की भी गड़बड़ है तो जेल में बंद कर दीजिए। शिक्षा को लेके आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, शिक्षा में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उत्तराखंड कोई दिल्ली तो है नहीं, छोटा सा स्टेट है दिल्ली, उत्तराखंड बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है, यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था करना दिल्ली जैसा काम नहीं है, तो उसके लिए आपके पास कुछ है? बातें करने से तो काम नहीं होता ना। मैं वही कह रहा हूँ कि बातें करने से नहीं होगा। उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़, दिल्ली की आबादी 2 करोड़, परिस्थितियाँ भिन्न हैं, मैं मानता हूँ चैलेंजेस हैं, कोई हम परफेक्ट नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते कि हम सब कुछ हमारे को ही आता है, लेकिन हमारा ये कहना है कि कोशिश तो की है। क्या दिल्ली में सब कुछ हो गया? नहीं हुआ, मानते सब कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और जीवन में हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी। आज हमने कुछ स्कूल ठीक किए हैं तो क्या उसके आगे कुछ नहीं है? उसके आगे भी बहुत कुछ है। शिक्षा व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए और कुछ चीज़ें आएंगी, हायर एजुकेशन भी ठीक होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपकी दिशा ठीक होनी चाहिए, हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जब आप BJP और कांग्रेस की बात करते हैं, किस प्रदेश में उन्होंने अपने जो टोटल आपकी जो बजट था उसका 26% खर्च किया है, आप ये बता दीजिए शिक्षा के ऊपर? किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी में कहीं पर शिक्षा आती नहीं है। वो अपने लिए हेलीकॉप्टर जरूर खरीद लेंगे, अपने लिए घर बड़ा बंगला जरूर चाहिए उनको, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता मरती रहे। हमने पहली बार अपने जो बजट थे उसका बड़ा हिस्सा शिक्षा पे खर्च किया, बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पे खर्च किया, अब और चीजें इंप्रूवमेंट करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी यहाँ पर आज बोल रहे हैं उनको अपने अपने प्रदेश सब में दो दो चार चार सरकारें उनकी हैं, उनको वहां पर करना चाहिए, फिर उसके बाद बातें हमारे सामने लानी चाहिए कि जी ये देखिए हमने पंजाब में कर दिया, जब हम उत्तराखंड में भी करेंगे। आप एक बात बार बार कहते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को मजबूती के साथ रखते हैं कि उत्तराखंड में कोई शिक्षा नीति नहीं है या शिक्षा सरकार ने नहीं बनने दी, कि 10 साल भाजपा रही, 10 साल कांग्रेस रही, तो शिक्षा नीति को लेके आप बार बार उत्तराखंड सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, आखिर उसके पीछे क्या लॉजिक है, आपके पास क्या विजन है इस चीज को, कि अभिभावकों को इससे फायदा हो, अभिभावकों का शोषण ना हो? देखिए अभी जो आप कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, आप RTI लगा लीजिए कि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में कितने स्कूल बंद हुए हैं, सरकारी स्कूल, डेलिबरेटली तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उसमें उसमें सेवाएं घटाई जा रही हैं। क्यों? प्राइवेट स्कूलों को फायदा हो, बच्चे तो पढ़ेंगे, अगर सरकारी ठीक नहीं होगा तो निश्चित तौर पर लोग प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट नष्ट किया जा रहा है, सरकारी सिस्टम को नष्ट किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि सरकारी स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाएं और पूरी तरह से प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला उत्तराखंड में हो। और मेरा ये आरोप निराधार नहीं है, मैं आपसे कहूँगा कि मीडिया के बंधुओं से कि एक RTI लगा लें,
आप लगा लें अपने नाम से, और ये पूछें कि पिछले 5 साल के अंदर उत्तराखंड में सरकारी स्कूल कितने बंद हुए हैं, बता दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तराखंड में शिक्षा का क्या हाल है। मेरे को बताने की आवश्यकता, तो शिक्षा पॉलिसी को लेकर क्या सोच है आपकी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा केवल प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल या हायर एजुकेशन की बात नहीं है। आपको समझ क्रिएट करनी पड़ेगी कि इस प्रदेश में शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, आप किसी को कहते हैं कि उसका जीवन सुधारना चाहिए, उसकी गरीबी दूर होनी चाहिए, आप जिंदगी भर कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर उस परिवार में आपने शिक्षा प्रदान कर दी, एक अच्छा एजुकेटेड बच्चा उस परिवार में आ गया, तो निश्चित तौर पे वो बढ़िया नौकरी करेगा, अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा और निश्चित तौर पे देश को भी आगे बढ़ाएगा। तो हमारा ये मानना है कि कई चीज़ों के हल जो है वो केवल शिक्षा से निकलेंगे। तो आपकी पहली कमिटमेंट होनी चाहिए कि लार्जर जो आपके इंटरेस्ट हैं वो शिक्षा के माध्यम से निकले। बच्चे जब शिक्षित होंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? केवल इतना संदेश देना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं कि इस देश में कुछ, इस प्रदेश में कुछ अच्छा होना चाहिए, हम पीछे पिछले 20 सालों को देखते हैं तो लगता है कि जिन सपनों के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ वो सपने पूरे नहीं हुए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस प्रदेश में कुछ अच्छा होना चाहिए, शिक्षा के ऊपर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर बात होनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि केवल फिर आम आदमी पार्टी से नहीं होगा, केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं होगा, आम आदमी पार्टी के किसी प्रदेश अध्यक्ष से नहीं होगा, किसी विधायक से नहीं होगा। अगर हमें प्रदेश बनाना है तो फिर एक एक उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को लगना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि कॉमन कॉज के लिए, जब हम कहते हैं उत्तराखंड बनाना है, तो गोल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए, फिर उत्तराखंड बनाने के लिए लगना पड़ेगा, फिर जिम्मेवारी सबकी है, फिर हर आदमी को ये कहना पड़ेगा कि जी मैं तो इतनी चीज़ करूँगा जिससे उत्तराखंड बेहतर हो। तो हम इसमें ये कहते हैं कि दिल पे हाथ रख लीजिए और अगर अंदर से आवाज़ ये आए कि मेरे बच्चों का भविष्य भाजपा को वोट देने से बेहतर होता है, उसको भाजपा को वोट देना चाहिए। अगर किसी के दिल से आवाज़ आए कि मेरे को कांग्रेस को वोट देने से मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर होता है, उसे कांग्रेस को वोट देना चाहिए। लेकिन अगर ये दिल से आवाज़ आए कि मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर हुआ अगर मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, तो फिर उसको, उस आदमी को कुछ उत्तराखंड के लिए, कुछ आम आदमी पार्टी के लिए करना पड़ेगा। उसको भी ये एहसास आना पड़ेगा कि जी मेरे को अगर उत्तराखंड को बचाना है, मेरे को उत्तराखंड को बचाना है, बनाना है, तो फिर मेरे को भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन जिस दिन उत्तराखंड की जनता ये तय कर लेगी कि उत्तराखंड बनना चाहिए, उस सपनों का उत्तराखंड बनना चाहिए जिसके लिए इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ संगठन के तौर पर आप बहुत कमजोर हो सकते हैं, हो सकता है अभी समस्याएं हो सकता है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो सकता है हमारे पास पैसे नहीं हो, लेकिन जिस दिन इस प्रदेश की जनता ये समझ लेगी, ये ठान लेगी कि उत्तराखंड बचाना है, उत्तराखंड बदलना है, मुझे लगता है निश्चित तौर पर फिर उत्तराखंड बदलेगा, उत्तराखंड बचेगा। बस यही सब लोगों से अपील है कि इस लड़ाई में जो एक कॉमन कॉज है उत्तराखंड को बचाने की, उत्तराखंड को और आगे ले जाने की, उस लड़ाई में सबका सहयोग चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित तौर पे हम सब सफल होंगे। धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया, जिन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं, पूरा यकीन है कि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को पूरा सहयोग देगी और 2022 में चौंकाने वाले रिजल्ट उत्तराखंड में आएंगे। आम आदमी पार्टी का जो विज़न है, किस तरीके से जनता को सहूलियतें दी जाएंगी, शिक्षा नीति हो या स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात हो या रोजगार के अवसर, तमाम चीज़ों पर आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं दिनेश मोहनिया जी, उन्होंने अपनी बात रखी है। ऐसा नहीं है कि उनकी बात यहीं ख़त्म हो गई, एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो बाद में भी हमसे चर्चा करेंगे और लोगों के बीच आकर केजरीवाल जी का जो विज़न है सामने रखेंगे। फिलहाल आज का हमारा जो मौजू था शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भ्रष्टाचार पे, उनसे चर्चा की हमने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।